एनसीईआरटी की नई किताब में बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है, जिससे तनाजा खड़ा हो गया है। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस किताब में अयोध्या तनाजे से जुड़े सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया, जिस पर अब तनाजा खड़ा हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, दरअसल यहां एनसीईआरटी की नई किताब में बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद ना कहकर इसे तीन गुंबद वाला ढांचा बताया गया, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद कार सेवा रथ यात्रा और बाबरी इन्हदाम के बाद हुए तशद्दुद की जानकारी हटा ली गई है। पहले किताब में अयोध्या तनाजा नाम का जो चैप्टर था, उसका भी नाम बदल का अयोध्या सब्जेक्ट कर दिया गया है। वहीं पहले अयोध्या तनाजे का टॉपिक पूरे 4 पेज में था, जिसे अब बहुत मुख्तसर करके सिर्फ 2 पेज में समेट दिया गया। बाबरी मस्जिद इन्हदाम या उसके बाद हुए फिरकावाराना तशद्दुद का टॉपिक क्यों हटा दिया गया, इस सवाल पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि बच्चों को फसादात के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर का मानना है कि अगर बच्चों को तशद्दुद और टकराव जैसी चीजें किताबों में पढ़ाई गई तो वो वायलेंट होंगे। और इस पर कई रद्दअमल भी सामने आए हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो तर्क दे रहे हैं कि ये पढ़ाने से घृणा, होलोकास्ट न पढ़ाया जाए, पार्टीशन ना पढ़ाया जाए, युद्ध ना पढ़ाया जाए, मतलब किस तरह के लोग निर्णय ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं। बच्चों को सब जानना चाहिए कि घृणा, नफरत, हिंसा के बावजूद हिंदुस्तान कैसे इवॉल्व किया। जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो जो सही है और यथार्थ है, उस यथार्थ को नकार करके कुछ नहीं कहा जा सकता, और जो यथार्थ है उसी को लेकर और उसी के संदर्भ में यह पुस्तक प्रमाणित होगी, और लोगों को और जो हमारे विचारक हैं लोग, उनको भी सहमति लेना पड़ेगा, तभी यह आगे चल करके यह कार्य में जैसे कि पाठ्यक्रम में लगाया जा सकता है। मुगल बादशाहों की जो तारीखी इमारतें थीं उनको भी हटा दिया गया है, तो ये दरअसल इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। नहायत ही अफसोसनाक बात है कि देश में एक ऐसी सोच और एक ऐसी फिक्र डेवलप हो रही है जो इतिहास, हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको खुरचा जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है।